मैम, आपने कॉलेज से राजनीति शुरू की थी, उसके बाद में लंबा गैप, अब फिर से तैयारी? बिल्कुल, फिर से तैयारी कर रहे हैं और ऐसा गैप नहीं था, थोड़ा कम एक्टिव थे, लेकिन बिल्कुल वापस अपनी पूरी मजबूत दावेदारी करूँगी मैं, मौका मिलता है तो बिल्कुल मैं इस बार चुनाव लड़ूंगी। आपने बीडी कला सामने के सामने कहाँ से दावेदारी पेश की है और क्या बात रखी अपनी? मैंने उनके सामने यही बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा के लिए अपनी दावेदारी पेश की है उनके सामने। क्या प्राथमिकताएं रहेगी आपकी बाड़मेर जैसलमेर को लेकर और आने वाले दिनों में आप एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में? बिल्कुल सक्रिय राजनीति में बिल्कुल रहूंगी। मैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करती हूं और यहां की कई समस्याएं, पानी की है, महिलाओं की है, पढ़ाई, शिक्षा, ये सब कई समस्याएं, उनके ऊपर बिल्कुल मैं काम करूंगी अगर मुझे मौका मिलता है। राहुल गांधी जी हर जगह बात करते हैं युवाओं को मौका देना चाहिए, उनको लेके भी आप राहुल गांधी जी से बात करेंगी? बिल्कुल, उनसे भी उनको मैं मेल, कई बार मेल और चिट्ठी के माध्यम से मैं ये कहती आई हूँ कि आप युवाओं को मौका दीजिए, उसमें भी यदि आप महिलाओं को मौका देने की बात करते हैं तो मुझे लगता है इस बार मुझे एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में अगर आप महिलाओं को देखें तो बहुत कम महिलाएं हैं जो सक्रिय राजनीति में रहती हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि इस बार एक बार मुझे मौका मिले तो पूरे राजस्थान में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष रही हूँ। वो चुनाव भी मेरे लिए कोई आसान चुनाव नहीं था, तो इस बार ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी पार्टी से कि इस बार मुझे एक बार मौका ज़रूर दें वो।